मैं हूं जहांगीर रियासत, न्यूज अटके में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिकर भी हमारी। आज एकदम गंभीर विषय, मुमरा शहर के अंदर 32 साल के जितेश नारायण कामले ने दी अपनी जान। क्यों दी, उसकी खास वजह, और क्यों कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी, क्रिस्टल डिपार्टमेंट हो, दूसरे और भी, अभी से कंस्ट्रक्शन हो, फिर क्रिस्टल आ गई है मुमरा शहर के अंदर। लेकिन बात है जान देने की। इतना टॉर्चर किया कि उसने दे दी अपनी जान। कहाँ गया वो दिन, कहाँ गए वो साल जो 7 साल दिए थे। कोविड के अंदर भी उसने काम किया था उस बच्चे ने। सिर्फ उसको आशा थी कि मुझे मिलेगा परमानेंट जॉब। कैसा खेला गया उसकी जिंदगी के साथ, क्या हुआ उसके परिवार के साथ, अब विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाला कुंदन गोटे। सर, न्यूज एप के मैं आपका स्वागत करता हूँ। बताइए कैसा है ये पूरा मामला और कौन देगा आप इस परिवार को इंसाफ। सबसे पहले तो मुमरा शहर में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि पूरे शहर ने जागना चाहिए। अपना मुमरा शहर ये भाईचारे के लिए हमेशा से जाना गया है, सब मिलजुल के रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी है, एक घन कचरा विभाग जो कंपनी है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टीकरण के अलॉट हुई है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी जो है वो क्या बहुत हाई स्टैंडर्ड या हाई प्रोफाइल के नहीं है। जो भी कर्मचारी होते हैं वो गरीब समाज के होते हैं, गरीब घर के होते हैं, तो हाथ पे कमाने वाले और हाथ पे खाने वाले लोग होते हैं। तो उनको तुम जिस प्रकार से टॉर्चर कर रहे हो, उसका मेन रीज़न जो सामने आ रहा है, तो ये ऐसा है कि तुम उनको बराबर से कुछ पे नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास जगह ज़्यादा हो गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे कानों पर आई है, हम वो वक्त के साथ सब खुलासा करेंगे। लेकिन वो जितेश, कालकथित जितेश नारायण कामले, वो लड़का जिसने कोविड में एक भी दिन छुट्टी नहीं की, जिसने इस मुमरा शहर की साफ सफाई में अपना योगदान दिया, एक संघर्ष की तरह वो हमेशा खड़ा रहा, उसने 7 साल जो नौकरी की है उसके अंदर उसका वर्तणूक लोगों से कायम अच्छा ही रहा है, ये किसी को भी पूछ सकते हो। लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ झूठ है, क्योंकि हर कोई वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो बचेगी नहीं, क्योंकि ये मुमरा का मुद्दा बन चुका है। क्योंकि कर्मचारी के ऊपर अन्याय होगा ये हमारे जैसे जो समाज कार्य करते वो सहेगे नहीं, क्योंकि वो बहुत कोई अच्छी जगह से आए हुए नहीं है, वो रोजी रोटी हाथ पे कमाने वाले लोग हैं। उसके ऊपर अन्याय होने का रीज़न, उसको जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया, उसको पहले तो 1 महीना घर पे बिठाया, फिर उसको शेविंग नहीं की है, तेरे मतलब कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े मुद्दे देके उसको मेंटली हैरेस करने की कोशिश की कि वो खुद ही काम छोड़ दे, या और भी कोई रीज़न हो सकते पता नहीं। लेकिन उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ये कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपनी है उन्होंने किया है, और ये पूरा जो व्यवस्थापन है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास करके वो युवा एक दलित समाज का था, इस वजह से उन्होंने एट्रोसिटी अंतर्गत 3 कायदों का उल्लंघन किया ये कंपनी ने, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम कार्रवाई भी करेंगे। और मैं नहीं तो मेरे पूरे समाज के लोग, पूरे थाने जिले के लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग भी एकत्र करने की बात आएगी, तो हम सब मिलके करेंगे, क्योंकि हम किसी भी लोगों पर होने वाला अन्याय ये कभी भी सहन नहीं करेंगे। क्या नाम था कंपनी का? कंपनी का नाम तो वैसे क्रिस्टल करके है, क्रिस्टल, मुझे इतना पूरा उसका पूरा नहीं, क्रिस्टल नाम से तो है। लेकिन सुसाइड नोट में क्या लिखा था उन्होंने, उसने जितेश ने सुसाइड नोट जो छोड़ी थी उसमें क्या लिखा? सुसाइड नोट में उसने ऐसा लिखा था कि उसने उसके मम्मी को वो लेटर टाइप लिखा कि मुझे ये सब परेशान कर रहे हैं, मुझे इस लेवल तक परेशान किया जा रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, और ये मैं जो कर रहा हूँ इसके जिम्मेदार सिर्फ ये कंपनी है और कुछ लोगों का उसने नाम लिखा है, वो लोग हैं, और इस वजह से कि मेरी जान जा रही है मैं दूंगा, लेकिन ये और भी जितने भी कर्मचारी कम से कम ये तो भी न्याय से जी पाए और हक अधिकार अपना रख पाए, इस वजह से मेरी जान ऐसी गवारा नहीं जाने देना, ये उसने सुसाइड नोट पे लिखा। तो अब आगे रास्ता क्या है? रास्ता ऐसा है कि हमने कल कंप्लेंट दर्ज की है, एट्रोसिटी अंतर्गत भी की है, और भी उसके जो विविध तकलीफ थी विविध कर्मचारी के, उस सबके ऊपर हम लोगों ने खटला दाखिल किया है। उसके ऊपर पुलिस के क्या हो गए अपन आगे चल के देखेंगे। उसके अलावा हम एक बहुत बड़ी
शोक सभा का आयोजन करने वाले हैं कि यहाँ पर जितने भी कामगार हैं, कम से कम मुझे अब तक कम से कम 200 तो भी कामगार कंपनी के मिल के गए हैं, उन्होंने भी उनके अत्याचार मेरे साथ बयां किए हैं, तो मैं एक बड़ी सी सभा रख के, एक शोक सभा रख के, उसके निधन के तौर पर एक शोक सभा रख के वहाँ पर कम से कम जितने भी लोगों को ये अन्याय अत्याचार से गुजरना पड़ रहा है वो ये बयां करके लोगों तक, ये मुंब्रा शहर के लोगों तक ये तकलीफ पता चले और बड़ों तक भी पता चले और वरिष्ठों को भी पता चले कि मुंब्रा शहर में ये किस लेवल तक गरीबों को छड़ा जा रहा है।